दोस्तों आईपीएल 2025 के ऑक्शन में कई सारे स्टार प्लेयर्स आने वाले हैं और इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग आईपीएल टीमें अभी से ही टारगेट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आने वाले पांच बहुत ही बड़े प्लेयर्स का नाम और उनके नए आईपीएल टीमों के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन सभी बड़े प्लेयर्स के प्रेडिक्टेड आईपीएल टीमों का नाम बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या और करेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस की टीम सूर्य कुमार यादव को अपना नया कप्तान बनाना चाहती है और हार्दिक पांड्या का डिमांड है कि वो जिस टीम में रहेंगे उस टीम की कप्तानी करेंगे। तो इस वजह से हार्दिक पांड्या अब हाईली चांस है कि मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे और हार्दिक पांड्या को अगर कप्तानी किसी टीम में मिल सकता है तो वो टीम होगी पंजाब या फिर बेंगलोर की, क्योंकि इन्हीं दो टीमों को नए कैप्टन की तलाश है। तो इस बार के ऑक्शन में हार्दिक पांड्या को पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कोई एक टीम जरूर टारगेट करेगी और इस बड़े खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाएगी। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम आता है केएल राहुल का, और केएल राहुल को भी लखनऊ की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज करेगी और केएल राहुल के ऊपर भी अपडेट आया है कि इनको 100% आरसीबी ही टारगेट करना चाहेगी। चूंकि केएल राहुल आरसीबी में आएंगे तो इस टीम को दिनेश कार्तिक की जगह पर एक शानदार विकेट कीपर मिल जाएगा और कैप्टन का भी तलाश कंप्लीट हो सकता है। तो केएल राहुल यदि ऑक्शन का पार्ट बने तो सबसे ज्यादा बिडिंग इस खिलाड़ी के ऊपर आरसीबी की टीम ही करने वाली है। इसके बाद तीसरे बड़े प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल, और मैक्सवेल इस साल के ऑक्शन में आएंगे तो मैक्सवेल को गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें मुख्य रूप से टारगेट कर सकती है। मुंबई इंडियंस भी खरीद सकती है, चूंकि मुंबई इंडियंस की टीम को भी हार्दिक के जाने के बाद बेहतरीन फिनिशर का तलाश होगा। तो मैक्सवेल को मुंबई इंडियंस की टीम भी ऑक्शन में जरूर से टारगेट कर सकती है। इसके बाद चौथे बड़े प्लेयर हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जब ऑक्शन का पार्ट बनेंगे तो इनको पुरानी टीम हैदराबाद ही खरीदना चाहेगी। हालांकि अन्य टीमों के बारे में बात करें तो 5 से 6 आईपीएल टीमें ट्रेविस हेड के ऊपर बोली लगा सकती है, जिसमें नाम आता है कोलकाता, दिल्ली, गुजरात और लखनऊ जैसी टीमों का, क्योंकि इन सभी टीमों को डिस्ट्रक्टिव ओपनर की तलाश है। तो इस वजह से हेड के ऊपर ये आईपीएल टीमें बोली लगा सकती है। वहीं अंतिम प्लेयर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भी ऑक्शन का पार्ट बन सकते हैं, तो इस दिग्गज खिलाड़ी को लखनऊ सुपर जायंट की टीम अपने स्क्वाड में ले सकती है या फिर पंजाब ले सकती है, क्योंकि लखनऊ पंजाब दोनों को नए कैप्टन का तलाश होगा। तो इस वजह से रोहित शर्मा के ऊपर लखनऊ और पंजाब ये दोनों टीमें ऑक्शन में बढ़ चढ़ के बोली लगा सकती है। आपके हिसाब से इस साल के ऑक्शन में कौन सा प्लेयर सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा, प्लेयर का नाम कमेंट में बताएं। और चूंकि इस बार पर्स बैलेंस भी 130 करोड़ से ज्यादा का होगा तो प्लेयर्स के ऊपर काफी मात्रा में पैसे बरसेंगे, तो आपके हिसाब से कौन खिलाड़ी सबसे महंगा बिकेगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।